अपने पास बीपीएल टीवी आया हुआ है, इसमें फॉल्ट है पावर सप्लाई में। चलो देखेंगे उससे क्या हुआ है। आज 4-5 दिन से वीडियो नहीं डाले हुए, 8 दिन लगभग होते आ रहे। इसका बैक कवर खोला हुआ है हमने, चलो उसको देखेंगे क्या हुआ है। चलो बैक कवर निकालेंगे, बैक कवर निकाल कर रखेंगे बाजू, ले आगे उसको देखेंगे किट में क्या फॉल्ट है। चलो किट में देखेंगे अभी हुआ है क्या। अच्छे से साफ सफाई करी हुई है बैक कवर उतार के पहले ही। अब चलो चेक करेंगे क्या फॉल्ट है टीवी में। सबसे पहले फ्यूज चेक कर लेंगे, फ्यूज शॉर्ट है, दूसरा फ्यूज डालेंगे। पावर ग्लो हो गया, पावर ग्लो हो गया, टीवी ऑन हो गया अपना, टीवी ऑन हो गया, ऑन हो चुका है अपना। सिर्फ इसमें इसके अंदर मसला है, कैपेसिटर फूलने की वजह से जरसक फॉल्टी है, कैपेसिटर ख़राब है। सिर्फ कैपेसिटर इसमें चेंज करवाना पड़ेगा अपने को, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलो अच्छे से कैपेसिटर निकाल लेंगे। चलो हिसाब से कैपेसिटर फुला हुआ है। नंबर है इसका 100 MFD 400 वोल्ट। दूसरा कंडीशनर डाल देंगे इसके जगह, 150-450 वोल्ट कंडीशनर डालेंगे। अच्छे से वापस दोबारा प्लस का निशान प्लस के हिसाब से बिठाएंगे। माइनस का भाग इधर से, ये माइनस के, ये प्लस इधर से आना। कंडीशनर का जो भाग है माइनस पट्टा इधर से आना चाहिए, प्लस इधर से रहेगा, ये पोजीशन में आना उसमें, और इस हिसाब से सोल्डरिंग करेंगे। ऐसे ये पोजीशन में आना, अच्छे से ड्राई सोल्डर कर लेने का। अब हिसाब से सोल्डरिंग कर लेने का। प्लस वाला प्लस को, ये पावर सप्लाई जो एक्स्ट्रा डाला हुआ है उसका वायर, माइनस को माइनस के हिसाब से, प्लस के हिसाब से प्लस। अच्छे से बैठा ये देख लेने का। अच्छे से कैपेसिटर बैठ गया, अच्छे से कैपेसिटर बैठ चुका है। अब चलो पिन डाल कर देखेंगे अपन।
टीवी बराबर क्लियर हो गया अपना। चलो अब ऑडियो वीडियो लगा कर चेक कर लेंगे टीवी को। चलो अब टीवी को चेक कर लेंगे ऑडियो वीडियो पिनल लगा कर। ये होगा अपना टीवी क्लियर होगा, ज़रा देख लिए। ये होगा टीवी क्लियर। ये फॉल्ट सॉल्व होगा कैपेसिटर शॉर्टिंग। लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे और सब्सक्राइब करे। बिल्ला बटन दबाना ज़रूर करे, भाई के चैनल को सपोर्ट करे। अच्छी अच्छी वीडियो और लेके आएंगे।